अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? जाओगे ठीक होंगे, आई होप ऑल गुड। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मस्जिद नबी से ही बना रहा हूँ। हरम के सामने खड़ा हूँ, गेट नंबर 334। अच्छा, बहुत ज़रूरी है जी, रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट के बारे में कि वो आपको कैसे मिलेगी। अच्छा जी, उसके बारे में क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आ रहे थे, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, तो लोग पूछ रहे थे कि आप कैसे ले सकते हैं। तो उसका हल ये है कि नुस्की ऐप है, उसके अंदर आपने जाना है और उससे अपॉइंटमेंट लेनी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही है, और ख़ास करके जो लेडीज़ हैं उनको तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। सो अभी इशू क्या आ रहा है कि कई लोगों का ट्रैवल प्लान होता है और उन लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, और अपॉइंटमेंट जो है वो एक एक महीने की 15-15 दिन की दिखा रही है। जेंट्स में मिल रही थी, मुझे एक हफ़्ते पहले मिल गई, लेकिन अब क्या करना है आपने कि आप जब भी ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आप रियाजुल जन्ना की जो अपॉइंटमेंट है वो आप उसी टाइम ले लीजिए जब आप फ़्लाइट ले रहे हैं, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपका पास परमिट एक्सपायर हो गया तो आप एक महीने तक वो दोबारा नहीं ले सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये ना सोचिए आप कैंसिल करके दूसरी ले लीजिए, कि एक महीने तक आपको नहीं मिलेगा। और मैं लकीली कल गया था, और सबसे जो दूसरा क्वेश्चन लेडीज़ की तरफ से आ रहा है कि जी लेडीज़ में तो मिल ही नहीं रही हैं, मेरी खुद की फैमिली को नहीं मिली। सो प्रॉब्लम क्या है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई करते रहिए, कभी कभी डेट्स निकल आती हैं। और दूसरा, जो लोग हो के गए उन्होंने मुझे कमेंट किया और इंस्टाग्राम पे भी कमेंट किया, इंस्टा पे मैं होता हूँ, आप लोग इंस्टा पे प्लीज़ मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे और आप उससे बात भी कर सकते हैं। वाह, सो उन्होंने बोला कि जी आपको अपॉइंटमेंट जो लेडीज़ की है उसके अंदर जहाँ आप गए हैं यहाँ तो हम गए नहीं, लेडीज़ का जो है वो पर्दे के पीछे है, तो आप अगर उधर चले जाएँ या गेट नंबर 32 लेडीज़ का उधर भी चले जाएँगे तो वो सेम ही है, मतलब उसकी बिहाइंड है साथ बिल्कुल। तो बाकी वो आप लोगों की चॉइस है, मैं कुछ समझा नहीं सकता, लेकिन ये भी एक हल है कि बिना परमिट आप कैसे जा सकते हैं। आप 32 गेट से जाइए और ईशा के बाद ओपन हो जाता है और फजर के बाद ओपन हो जाता है, लेडीज़ के लिए दो टाइम। तो ये ज़रूर आप ख्याल रखिए इस चीज़ का। और मैंने क्या बोलना था कि मैं बीच में कमेंट वो डाल भी देता हूँ वीडियो, आप लोग देख भी लीजिए कि मैं जब रियाजुल जन्ना गया हूँ तो जेंट्स जो हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये ना हो कि यार, क्योंकि कई लेडीज़ जो हैं वो नीचे कमेंट और इंस्टा पे बोल रही थी कि हम तो इस जगह गए नहीं इवन अपॉइंटमेंट के बाद। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना दिल छोटा मत कीजिए, आप 32 गेट से भी जा सकते हैं अगर आपकी फ़्लाइट है एंड ऑल। सो आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। सो रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट मैंने आपको बता दी है कैसे ले सकते हैं, एंड आदमियों के लिए मसला नहीं है, लेकिन क्या है आप एक्टिव अपॉइंटमेंट रखिए और मेक श्योर जबकि ले रहे हैं तब आ जाइए, बिकॉज एक बार पास्ट हो गई तो वो दोबारा नहीं मिलेगी और एक महीने तक नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज, आई वॉन्ट टू शेयर। सो प्लीज़, अपॉइंटमेंट का यही एक तरीका है, आपको लाइन में लगना है, बहुत सारी वीडियोज़ मैंने देखी जी कि लाइन में लग जाओ और आपको मिल जाएगी, आई डोंट थिंक सो इट्स करेक्ट, वो आपको वापस भेज देते हैं। सो आप जितना मर्ज़ी लाइन में लग जाओ फिर आपको वापस भेज देंगे तो अच्छी बात नहीं। तो हमारे यहाँ बड़े, मतलब आप ये कह लो कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, सो ये थी इम्पॉर्टेंट वीडियो, मैंने कहा शेयर कर दूँ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ पे आपको अपडेट्स मिल जाए और आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो तो वहाँ पूछ सकते हैं, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आप ज़रूर बताइए।